कुछ ऐसे लूप होल्स बताने वाला हूँ 99 ट्रेड के, जो जनरली जो कस्टमर्स ऑलरेडी इस ट्रेड में काम कर रहे हैं वो बात बहुत रिलेट कर पाएंगे हमारी बातों से। 120 में बेच दिया, इसको मैंने 150 में बेच दिया और वो मैंने 99 में बेच दिया जो नीचे था अपना जी। तो फिर मेरा स्टोर 99 कैसे रहा? फिर हमारा समझाने का सबसे मेन मोटिव ये है कि अगर हम होलसेल कर रहे हैं यहाँ से, कंपटीशन होलसेल स्तर पे आपको फिर भी शोभा देता है, लेकिन रिटेल में आप पूरा दिन कस्टमर का वेट करते हैं। अगर आपको पर प्रोडक्ट अगर कम से कम 30-40 रुपए नहीं मिल रहा है तो आपका काम करना बेकार है। बिल्कुल। Hey guys, this is your lucky और स्वागत करता हूँ आपका फिर से इनक्रेडिबल व्लॉग्स में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो जो इनका था अनिल भाई का, शिव ट्रेडिंग कंपनी का, वो आपने देख ही लिया है कि शिव ट्रेडिंग कंपनी में जो होता है कि जिस हिसाब से काम हो रहा है, तो वो दूसरे पार्ट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ा कि कैसे आपको बिजनेस करना है वो बहुत जरूरी है कि आपको बताया जाए कि आपको इस तरह से बिजनेस करना है। तो वो मैं बताने वाला हूँ। ये सारे जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो मेरे पीछे, जितना भी सामान है, इनके बारे में, इनको हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए अपन चलेंगे। बाकी अभी चलते हैं सीधा अनिल भाई के पास में और आज क्या धंधा एक्सप्लेन, क्या 99 स्टोर की पाठशाला खुलने वाली है, वो सब चीजें आपको बताएंगे। अनिल भाई अपने साथ में है और अनिल भाई के साथ हमेशा मेरा वीडियो हमेशा शानदार ही रहता है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन इस धंधे में कोई दे नहीं सकता यार। इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब हर एक चीज का और वेराइटी और डिस्प्ले और गोदाम और सामान, और माई गॉड इतनी सारी चीजें कैसे मेंटेन करते हो यार। लकी भाई, हमारा जो सोल टारगेट है वो ये है कि हमारे कस्टमर्स को यहाँ से ज़्यादा वैरायटी देना और उनको बिजनेस के लिए जो सबसे प्रॉपर और सही जो गाइडेंस है वो हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना हमारा सबसे फॉरमोस्ट टारगेट है। हम जनरली ये बात करते हैं कि आज हमारे पास जिस तरीके के कस्टमर्स आते हैं, जनरली वो लाइफ में अपना फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस ओपन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा ड्यूटी बनती है कि हम अपने कस्टमर्स को बिजनेस करने का जो प्रॉपर तरीका है हम वो उनको एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। और बिल्कुल। मार्केट में जिस तरीके की होने वाली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, हम उन तरीकों से हम अपने कस्टमर्स को बचा सकें कि वो सही जगह से सही आइटम और अपने बेस्ट प्राइसेस पे परचेस करें। बिल्कुल। जैसा कि मैंने अभी बाहर आ रहा था ना मैं, तो मैंने देखा कि वो लिस्टिंग जो हो रही थी जी, वो एक प्रॉपर कोड के साथ में हो रही थी, हैशटैग 1673 हैशटैग ये कोड हैशटैग, सारी कोडिंग के साथ में आपने वो मेंटेन कर रखा है। ये हमारे बेसिकली कस्टमर्स के लिए सारे प्रोडक्ट कैटलॉग्स हैं जो अब हमारे पास में रेडी रहते हैं, उनके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा। ठीक है। आज का बेसिकली जो हमारा वीडियो होने वाला, आप इसे टर्म कर सकते हैं 99 की पाठशाला। अच्छा सर, क्या रहता है कि बिजनेस करने का तरीका सब होता है, 99 स्टोर प्रमोट करना हमारा काम है, मगर किस तरीके से वो बिजनेस आपका अच्छा रन करेगा और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे ये बताना भी हमारा काम है, और इसी के ऊपर ही आज हमारा पूरा वीडियो बेस्ड है। कुछ ऐसे लूप होल्स बताने वाला हूँ 99 ट्रेड के, जनरली जो कस्टमर्स ऑलरेडी इस ट्रेड में काम कर रहे हैं वो बात बहुत रिलेट कर पाएंगे हमारी बातों से जी। दो तरीके के ट्रेड करने के तरीके हैं 99 में। एक तो लकी जी ने भी काफी बिजनेस वीडियो शूट्स वगैरह किए हैं, तो कुछ वीडियो शूट्स में आपको ये बताया जाता है कि इस तरीके का आपको कोई ना कोई डिस्प्ले दिखा दिया जाता है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि 75 से लेके 78 रुपीस तक आपको एक एवरेज रेंज बनाकर इस सारे तरीके के प्रोडक्ट्स आपको इसमें ले लो, 99 में बेच दो। हाँ, 99 में आप बेच दीजिए। पर इस तरीके के ट्रेड से कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आते हैं, एक एवरेज बिलिंग में नुकसान क्या होता है, नुकसान क्या क्या आ रहे हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट तो अपने पास में 50 के भी है, 60 के भी है, 70 के भी, 80-85 के भी, सब तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब इस तरीके के प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि ये सामने वाले वेंडर के ऊपर है कि ये कस्टमर को महंगी रेंज के प्रोडक्ट कितने डाल रहे हैं उनकी गाड़ी में और सस्ती रेंज के प्रोडक्ट कितने डाल रहे हैं। मान के चलिए कि सर आज मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट की है वो 50-55 रुपीज़ है, सामने वाले वेंडर के लिए वो तब भी उसकी बिलिंग 75 और 78 रुपीज में ही होगी। अगर 50-55 की चीज़, 60 रुपए की चीज़ अगर आप 75 या 80 रुपए की आप सामने वाले कस्टमर को बिलिंग दे रहे हैं तो आधा किराया तो क्या, इस कंडीशन में तो हम पूरा किराया फ्री दे सकते हैं। बट सही काम करने का तरीका हमारे तरीके से वो है कि आप हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट प्राइस लें और उसको रेंज को अपनी पूरी बाइफरकेट करके अलग अलग करके आप एक रेंज बनाएं कि 100, 120 और 150, तीन तरीके की रेंजेस में काम करें। हमारा सोल जो काम करने का मोटिव है कि अगर हमको अगर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है वो हमको 30-40 रुपए एवरेज एक प्रोडक्ट देकर जाए। मान के चलते हैं कि अगर हमारा सबसे एवरेज कस्टमर कोई सिर्फ 10,000 रुपए की पर डे की सेल्स कर रहा है, 100 प्रोडक्ट्स स्टोर से बात करें, एग्जैक्टली
10,000 रुपए की सेल्स के ऊपर अगर पर प्रोडक्ट हम 30-40 रुपए अगर निकाल रहे हैं रेंज अलग अलग डिवाइड करके, हमारा हर कस्टमर इजीली 3,000 से 4,000 रुपए पर डे अपने घर ले जा सकता है। दैट मेक्स इट कम से कम 1,00,000 से 1,25,000 रुपए महीना। तो ये जो आप समझा रहे हो जी, इसको अपन एग्जाम्पल के साथ समझें क्या? एग्जाम्पल के साथ अभी मैं आपको आगे डिस्प्ले में ले जाके, जो आपने बोला ना कि 100, 120 और 150, हमारा वीडियो आज के कस्टमर्स को समझाने के लिए इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है, जो ये ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ आज के बाद किसी भी तरीके की कोई भी धोखाधड़ी इस काम में नहीं हो सकती है। इतना विस्तार से और इतना प्रॉपर तरीके से हम आपको सारा कंसेप्ट समझाने वाले। धोखाधड़ी बहुत होती है भैया मार्केट में, स्कैम इतने भरे पड़े हैं, वो है, वो जो चीज है वो है। तो जो चीज अभी उस चीज से अपने को बचा सकती है उस पे अपन चलते हैं और एग्जांपल से अपन समझते हैं चीजें। और है अपना और पूरा यहाँ पर ही अपन चीजें सारी समझेंगे कि किस तरह से अपन चीजों को यहाँ पर सेग्रीगेट कर सकते हैं प्राइस के साथ में। ठीक है, आपको कुछ चीजें इस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि सिरेमिक सेगमेंट की सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो मैं आपको हर प्रोडक्ट में कंपैरिजन करके 3-3, 4-4 प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। आप प्रैक्टिकली ये भी प्रोडक्ट आप इजीली 99 में सेल कर सकते हैं, ये भी सेल कर सकते हैं और इस तरीके का गिफ्ट बॉक्स पैकेजिंग, ये भी प्रोडक्ट आप 99 सेल कर सकते हैं करने को। और ये गिफ्ट बॉक्स पैकेजिंग के साथ में आपका ये प्रोडक्ट आ रहा है इस तरीके से, ये भी 99 में सेल कर सकते हैं। पर मैं तो ये खरीदूंगा ना, आप ये 99 अगर कोई मेरे को 3.99 में अगर ये देगा ना जी कोई स्टोर पे जी, तो मैं तो ये वाला लेके जाऊंगा ना यार, मतलब इतना मस्त पैकेजिंग के साथ में ये। तो अब एक बार मैं आपके अपने व्यूअर्स को आपको एक ये चीज समझाना चाहूंगा, इस प्रोडक्ट पे आपको तकरीबन कम से कम 40 रुपए आपको प्रोडक्ट पे मिल रहा है इस पे, ठीक है, और उस वाले पे इस प्रोडक्ट पे आपको 20 रुपए मिल रहे हैं। 20 रुपए इस पे, अच्छा इस पे 40 मिल रहे हैं, इस पे 20 मिल रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे आपको 20 रुपए मिल रहे हैं, और इस पे कितना मिल रहा है? इस प्रोडक्ट पे आपको 10 रुपए मिल रहे हैं। 99 में बेच रहे हो, मतलब ये एग्जैक्टली 90 रुपए का है, ये 80 का होगा, ये 60-70 का होगा, 60 रुपीज अप्रोक्स का मिल जाएगा, ठीक है। बट लेके तो मैं ये जा रहा हूँ, आप लेकर ये जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे कस्टमर्स एवरेज रेंज के सबसे बड़ा शिकार होते हैं, ये जो वर्ड है एवरेज, कि हम आपको एवरेज रेंज बना के आपको गाड़ी देंगे, जो व्यापारी इस शब्द को यूज करता है कृपया उससे माल लेने से बचें। कारण ये है कि एवरेज रेंज के झांसे में आके और आधे किराए के झांसे में आके आप इस तरीके का प्रोडक्ट आपकी कम लेते हैं शॉप पे, कस्टमर ये तरीके का प्रोडक्ट आपसे ले जाएगा और बाकी आपके बचे हुए दो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स आपके छोड़ जाएगा। आपको लग रहा है आप माल बेच रहे हैं लेकिन आप डेड स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास, तो ये दोनों तो रह ही जाएंगे। बिल्कुल, ये 40 वाले दुकान पे रह जाएगा, 20 वाले दुकान पे रह जाएगा, बिकेगा ये। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ट्रांसपेरेंसी ये है कि हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट रेट है। आप अगर प्रैक्टिकली इस प्रोडक्ट को आप 100 रुपए बेच रहे हैं, अगर हमारे कस्टमर्स 500 किलोमीटर जयपुर से अगर कम 500 किलोमीटर अप्रोक्स डिस्टेंस से आ रहे हैं तो इस तरीके का प्रोडक्ट्स वो 120 रुपीज रेंज बेच सकते हैं। 500 किलोमीटर से ऊपर हैं तो ये प्रोडक्ट 130 रेंज में बेच सकते हैं। किराया उनको इतना भारी नहीं पड़ेगा जितना ये एवरेज शब्द उनको भारी पड़ेगा। और ये इसको शायद आप 150 में बेचो, प्रैक्टिकली अपन का खुद कंपेयर कर सकते हैं, 120 और 150 रुपए में इस तरीके का प्रोडक्ट आपका, तो ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा और ये भी बिकेगा। एग्जैक्टली, तीनों चीज बिक जाएगी। हमें अपनी रेंज बाइफरकेट करना, अलग अलग करना सीखना पड़ेगा ताकि हमारे कोई भी कस्टमर्स कुछ भी प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं हमें 30-40 रुपए प्रोडक्ट देकर ही जाए। तो ये था एवरेज, जो बोल करके आपको डेड स्टॉक आपके शॉप पे रह जाता है उससे आप कैसे बच सकते हो, ये पूरा अपने समझाने का मतलब। लक्की जी, हमारा समझाने का सबसे मेन मोटिव ये है कि अगर हम होलसेल कर रहे हैं यहाँ से, कंपटीशन होलसेल स्तर पे आपको फिर भी शोभा देता है लेकिन रिटेल में आप पूरा दिन कस्टमर का वेट करते हैं, अगर आपको पर प्रोडक्ट अगर कम से कम 30-40 रुपए नहीं मिल रहा है तो आपका काम करना बेकार है। बिल्कुल सही। मैं आपको इसी तरीके के और प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ। लक्की जी, बेचने को तो ये 12 पीस जो कप सेट है ये भी आप 99 में सेल आउट कर सकते हैं। 99 में ये एग्जैक्टली 12 पीस कप सेट आप 99 में सेल आउट कर सकते हैं। अगर ये आपने 99 सेल आउट कर दिया तो आपके इन बचे हुए प्रोडक्ट्स का क्या होगा? बिल्कुल। और ये फिर वही एवरेज की मार पड़ जाएगी इस पे, एवरेज रेंज की मार पड़ जाती है। तो आप प्रोडक्ट्स को आप बांट के काम करना स्टार्ट कीजिए। अब इसी तरीके तो मुझे इस चीज का एक बात बताओ आप, चलो ये मैंने 120 में बेच दिया, इसको मैंने 150 में बेच दिया और वो मैंने 99 में बेच दिया जो नीचे था अपना जी, तो फिर मेरा स्टोर 99 कैसे रहा फिर? सर, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि 99 जो वर्ड है ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, लेकिन हम आपको कम से कम
50-60% प्रोडक्ट्स आज भी 99 सेलिंग रेंज में हम आपको अवेलेबल कराते हैं, लेकिन रेंज बांट के जिस तरीके से अगर अपन काम कर रहे हैं उसमें अपने प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी गारंटी 100% है। कम से कम आप 35-40% आप अपने पर प्रोडक्ट पे रेंज डिवाइड करके आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरी एक और चीज दिखाना चाहूंगा, चॉपर्स की बात है, यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं सब में आपको रेंज का कंपेरिजन मिल जाएगा। बेचने को आप ये भी 99 बेच सकते हैं, ये भी बेच सकते हैं, और इस तरीके का प्रोडक्ट भी आप 99 पुश चॉपर्स भी आप बेच सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे? यार मेरे को फैंसी सा ये दिख रहा है तो मेरे को ये लेने का मन करेगा। तो इस प्रोडक्ट में हमारे सामने वाले व्यापारी को सिर्फ 6-7 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, इस प्रोडक्ट के अंदर 15 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, और इस प्रोडक्ट के अंदर कम से कम 35 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, जो आप 99 में अगर आप सेल करते हैं तब। तो आपने जैसे मेरे को बोला कि ये वाला खरीदने का मेरा मन ये कर रहा है, पर इसके हिसाब से तो ऑडियंस को तो ये लगेगा ना कि फिर ये दोनों तो फिर कचरा है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सेम कंपनी का प्रोडक्ट है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंपनी एक प्रोडक्ट अलग क्वालिटी का बनाएगी दूसरा प्रोडक्ट अलग क्वालिटी का। ये चॉपर्स छोटे हैं, छोटे चॉपर के सामने आपके सामने मैं बड़ा चॉपर रख दूं, प्रैक्टिकली आप क्या उठाओगे? बड़ा लूंगा बिल्कुल। एक ही रेंज रखने का नुकसान सबसे ज्यादा ये है कि आप कस्टमर हमेशा आपसे बड़े प्रोडक्ट्स और अच्छे प्रोडक्ट्स उठा के ले जाएगा जिसमें आपके पास मार्जिन कम है। एवरेज रेंज में याद रखिएगा कि कस्टमर को कभी चूज नहीं करने दिया जाता, चूज नहीं करने दिया जाता, लेकिन जब आपके पास स्टोर पे कंज्यूमर माल खरीदने आ रहा है उस टाइम कंज्यूमर चूज कर रहा है उसमें से। तो वहां पे ये होता है कि कस्टमर, तो इनको कैसे बेचें फिर? इनको मैंने आपका यही सिस्टम आपको बताया कि अगर हमारे कंज्यूमर्स अगर रेंज डिवाइड करके अगर प्रोडक्ट्स में काम करते हैं तो उनका पर प्रोडक्ट 30-40 रुपीज आपका मार्जिन बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, जिससे उनको काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती। प्लस कस्टमर का कंपैरिजन कितना भी कर ले उसको रेंज का डिफरेंस दिखता है, तो आपके पास कभी भी आपके पास डेड स्टॉक्स की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आपके भाई कहने का मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू है 70 रुपए तो आप इसको 100 में बेच दो, इसकी वैल्यू है 90 रुपए तो आप इसको 120 लगा दो, और इसकी वैल्यू है मान लो 90 रुपए या फिर 95 तो आप इसको 150 का लगा दो। तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया 120 और ये हो गया 150। तो कोई भी कस्टमर खरीदेगा तो इसको 100 के हिसाब से खरीदेगा, इसको 120 के हिसाब से खरीदेगा, और इसको 150 के हिसाब से खरीदेगा। इसका सबसे रेंज बाइफर्केट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, मान के चले कि आपकी हमारे पास खर्चा जोड़ के आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जोड़ के 50-75 रुपीज तक का आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप इजीली 100 रुपीज सेल आउट करें। 76 रुपीज से लेके आपका 100 रुपीज तक का कोई प्रोडक्ट है आप उसको इजीली 120 या 130 रेंज में सेल करें, और 100 और 120 के बीच में आपका जो परचेज है उसको आप इजीली 150 सेल करें। इससे आपका एक चीज तो कंफर्म हो जाएगी कि आपका मार्जिन श्योर है, प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है, हम सारी चीजों को एवरेज रेंज के हिसाब से लेके जाके और 99 में सेल करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने हम खुद अपने लिए डेड स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि टिफिन बॉक्स भी देख रहा हूं मैं, टिफिन बॉक्सेस की भी रेंज है आज प्रैक्टिकली, ये 4 तरीके के टिफिन बॉक्सेस है यहाँ पे, 4 तरीके के टिफिन बॉक्सेस हैं, सारे के सारे आप इजीली 99 सेल कर सकते हैं। अब ये है कि किस तरीके का टिफिन बॉक्स आप उठा रहे हैं, ये मेरे को इसमें से, क्योंकि अभी इसमें से मेरे को ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये आपका 120 रेंज प्रैक्टिकली सेलिंग आपका टिफिन बॉक्स है, ये छोटे वाले टिफिन बॉक्सेस अगर आप ले जाते हैं तो इजीली 100 सेलिंग है, ये आप चाहें तो आप इजीली अपना 30-40 रुपीज मार्जिन सिक्योर करके आप इजीली 120 रुपीज पूरा लॉक एंड लॉक टिफिन है। मैं चाहूंगा आप कस्टमर्स को ओपन करके दिखाएं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अमेजिंग, वही बात है लक्की जी, जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, आप सोच रहे हैं कि हम कस्टमर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट कस्टमर इज द किंग। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पूरा पार्टीशन दिया हुआ है टिफिन बॉक्स की, आप क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। और इसके साथ में अगर इसकी भी बात करूं, इस वाले टिफिन बॉक्स की भी, तो इसकी भी क्वालिटी तो बहुत ही शानदार, अमेजिंग क्वालिटी इसमें आपको दी गई। इसमें एक छोटा बॉक्स इसमें दिया हुआ है, ये देखिए। और अगर अपन एवरेज वाले प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें आपको हर जगह फिर 99 में ही सेल करना है जी। तो ये सारा जो आप सुन रहे हो इससे क्या होगा कि आपका जो डेड स्टॉक है वो एकदम जीरो हो जाएगा, मतलब आपके स्टोर पे कुछ भी डेड स्टॉक रहेगा ही नहीं। ये देखिए,
डेड स्टॉक आपके स्टोर पे रहेगा ही नहीं। अब प्रैक्टिकली लग कीजिए, अगर आप इस तरीके का प्रोडक्ट अगर आप 99 सेल करते हैं तो आपके पास कोई 15 रुपए आपके पास प्रोडक्ट आपके पास बचता है, लेकिन प्रोडक्ट जब कस्टमर कंपैरिजन करता है 99, बिल्कुल कंपैरिजन चूज करेगा तो फिर वो प्रोडक्ट आपका 120 रुपीज सेलिंग हो सकता है। बिल्कुल। एंड अपने कंज्यूमर्स को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हर साल हम कम से कम जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं अप्रोक्सीमेटली 10% अपने प्रोडक्ट्स महंगे बिकेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में महंगाई दर के अकॉर्डिंग। हर साल आप खुद भी जितने भी हमारे वेंडर्स हैं वो सब ये चीज समझते हैं कि 5-7% 10% प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से देखेंगे तो 99 तक प्रोडक्ट्स कितना समय रहेंगे। बात 99 की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में अगर आप रेंज और प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अगर आप कस्टमर्स को दे रहे हो तो कस्टमर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट उठाए वो अपने यहाँ से, बिल्कुल उसको मिनिमम 30-40 रुपीज उसको मार्जिन मिलना उसका हक है। हक बन। स्टोर अपना जो अपना आउटलेट है ये कहाँ पर है? अपना स्टोर पड़ता है सर मानसरोवर मांग्यावास में। ये बिल्कुल मानसरोवर मेट्रो स्टेशन यहाँ का नियरेस्ट लैंडमार्क है, वहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे। और बाकी आपको गूगल मैप लोकेशंस और लिंक वगैरह आप शिव ट्रेडिंग कंपनी आप लिखेंगे तो आप डायरेक्टली आप हमारे कस्टमर सिर्फ गूगल मैप्स पे टाइप करें 99wholesale shivtradingco.,  आपको हमारी यहाँ की लोकेशन और हमारे जो कंपनी के रिलेटेड आपको जो भी हमारे डिस्क्रिप्शंस हैं वो आपको सब आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। आप आइए, यहाँ पे आपको सिर्फ आके स्टोर एक बार विजिट करने की जरूरत है। अपने स्टोर के बारे में एक और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये ऑफर सिर्फ हमारे कस्टमर्स के लिए जो हमसे रेगुलर परचेजेस करते हैं। साल के किसी भी दिन अगर हमारे कस्टमर्स हमसे बिल्कुल इस स्टॉक में जो अभी करंट का अवेलेबल जो हमारे पास PDF है एक एक प्रोडक्ट वो चाहें तो हमसे PDF मंगा सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं वो आपको कभी भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले में नहीं दिखेंगे। तो जो गिवन आज की तारीख में अगर कस्टमर को ऑर्डर करना है तो आज उनको फ्रेश अपडेटेड PDF भेजा जाएगा। ये आप कैसे सेट कर रहे हो वो मैं देख सकता हूँ एक बार? हाँ बिल्कुल, हमारे आर्टिकल नंबर्स के हिसाब से हम तो वो चीज एक बार अपन देख लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया इनका डिलीवरी है, प्लस जो हमने ये वैरायटी दिखाई है पूरी जो वैरायटी आप यहाँ पे देख रहे हो इनका डिटेलिंग से पूरा वीडियो जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया वो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, जस्ट यहीं पे कोई लिंक होगा इस जगह पे तो वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। प्लस अभी भी ये जो अपना जो आप हैशटैग जो नंबर कोडिंग आप जो करते हो उसका एक बार बता दो। आपको वर्किंग समझाता हूँ कि हम इस तरीके से काम कैसे करते हैं। मैं कस्टमर्स को दिखाना चाहता हूँ, जैसे इस तरीके से मानिए कि आपके किचन वेयर के आपको आर्टिकल्स देखने हैं, इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट फोल्डर के तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से सारे प्रोडक्ट रियल टाइम फोटो शूट्स के साथ में आपको ये अवेलेबल मिलेंगे। तो ये सारा स्टॉक जो आप देख रहे हो ये पूरा आर्टिकल नंबर देखना, देखना है बस। हाँ। और सिर्फ अपनी क्वांटिटी लिखनी है वहाँ पे बस। तो ये जैसे 13-13 लिख दिया और आगे क्वांटिटी लिख दी बस, सिर्फ कस्टमर्स को क्वांटिटीज और आप ये समझ जाओगे कौन सा प्रोडक्ट है। क्वांटिटीज कस्टमर का काम नहीं होता है, क्वांटिटी हमारे पास जिस तरीके की पैकेजिंग होती है हम उस तरीके से देते हैं। और ये PDFs हम हमेशा अगर आपके चैनल के थ्रू जब भी हमारे वीडियोस रिलीज होते हैं हम हमेशा कस्टमर्स को एक डेमो PDF वगैरह पहले प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा डेटा बनाना प्रैक्टिकली और किसी भी अननोन के हाथ में दे देना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो हमसे कस्टमर्स जो रेगुलर जुड़ते हैं उनको तो हम ये PDF दे पाते हैं लाइव अपडेटेड जो हमारा जो PDF होता है। उसके अलावा जो कस्टमर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं और जो हमारी स्टोर की करंट जो वैरायटी देखना चाहते हैं एक वीडियो कॉल हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है। एनी टाइम एनी गिवन टाइम हमारे पास 3-4 लड़के यहाँ पे ऑफिस में ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो कॉल्स के थ्रू यहाँ पे आपको पूरी एक डेमो वीडियो कॉल के थ्रू आपको यहाँ पे पूरी वैरायटी दिखाएंगे। बिल्कुल। प्राइजेस आपको यहाँ पे समझाएंगे, प्राइजेस हमारे किसी भी PDF में नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है। तो आपको यहाँ पे पूरे वीडियो कॉल पे प्रोडक्ट्स भी दिखाए जाते हैं, उनके प्राइसेस भी बताए जाते हैं। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है उसके बाद आप स्टोर विजिट कीजिए, आपकी यहाँ से परचेज होगी फर्स्ट टाइम परचेज के बाद में ये हमारी गारंटी है कि हमारे कस्टमर को यहाँ दोबारा रिपीट परचेजिंग के लिए कभी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मोस्ट वेलकम है अगर आप हमारे पास वापस आना चाहें। पर इतना सुलझा हुआ इतना काम है ना, इतना सुलझ चुका है। आप ये देखिए तो इधर पूरी डिस्प्ले आपके सामने है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इधर देखोगे तो इधर पूरी डिस्प्ले आपके सामने है आपको किधर जाने की जरूरत नहीं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इजिली कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। प्रोडक्ट्स वाला वीडियो है आप लोगों के लिए जिसमें हर एक चीज को डिटेल से बताया, उसका एंड स्क्रीन में आपको क्लिप मिल जाएगा तो वो आप जाकर के देख सकते हो। थैंक यू।